नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो आज हम पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार के बारे में, वहां पर कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, कौन कौन से वहां पर द्वीप पाए जाते हैं और कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं, अक्षांशीय विस्तार क्या है, कौन से पर्वत पाए जाते हैं, चोटी क्या है, कौन कौन से इनके बीच चैनल पाए जाते हैं। तो आइए हम सभी की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं द्वीप की। तो दोस्तों द्वीप जो है अरब सागर में भी पाए जाते हैं और बंगाल की खाड़ी में भी पाए जाते हैं। अरब सागर में भी पाए जाते हैं दोस्तों, दूसरा बंगाल की खाड़ी में भी पाए जाते हैं। जो द्वीप अरब सागर में पाए जाते हैं उन्हें लक्षद्वीप कहा जाता है, लक्षद्वीप कहलाते हैं। और जो बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप कहलाते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं। लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों का समूह होता है। तो दोस्तों लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों का समूह है और अंडमान निकोबार की बात करें तो ये 572 द्वीपों से मिलकर बना होता है दोस्तों। 572 द्वीपों से मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप बना होता है। और बात करें हम लक्षद्वीप की तो लक्षद्वीप जो है पन्ना द्वीप का उदाहरण है, सॉरी दोस्तों लक्षद्वीप जो है मूंगा द्वीप का उदाहरण है। मूंगा द्वीप मतलब कोरल आइसलैंड, तो ये कोरल आइसलैंड का उदाहरण है दोस्तों। मुंगा जो होते हैं प्रवाल भित्तियों से बने होते हैं, ये प्रवाल भित्तियां जो होती हैं कैल्सियम कार्बोनेट की बनी होती है, प्रवाल भित्तियों से बने होते हैं। और प्रवाल भित्तियां जो होती है दोस्तों कैल्सियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्सियम कार्बोनेट की बनी होती है। अंडमान निकोबार की बात करें तो ये दोस्तों मुंगा द्वीप का उदाहरण है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है पन्ना द्वीप का उदाहरण माना जाता है। पन्ना द्वीप का उदाहरण जो माना जाता है उसे हम दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। पन्ना मतलब एमेराल्ड आइसलैंड का उदाहरण माना जाता है दोस्तों। ये हुई बात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। तो दोस्तों द्वीप दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। अरब सागर में पाए जाते हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, सॉरी बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि 572 द्वीपों का समूह होता है जो कि पन्ना द्वीप का उदाहरण कहलाते हैं। लक्षद्वीप 36 द्वीपों से मिलकर बने होते हैं, मुंगा द्वीप का उदाहरण माने जाते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप की। अंडमान एवं निकोबार, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप की बात करें तो काफी द्वीपों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस प्रकार इसमें द्वीप जुड़े होते हैं। देखिए दोस्तों इसे हम कहते हैं कोको चैनल, इसे दोस्तों जाना जाता है कोको चैनल के नाम से। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों कोको द्वीप के नाम से इसे जानते हैं, इसे हम जानते हैं कोको द्वीप। इसे कहते हैं उत्तरी अंडमान, इसे कहा जाता है दोस्तों
उत्तरी अंडमान, इसे उत्तरी अंडमान कहा जाता है, इसे कहते हैं मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, और ये कहलाता है दोस्तों दक्षिण अंडमान के नाम से इसे जानते हैं, इसे कहते हैं दक्षिण अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। तो ये होगी बात दोस्तों, इसे हम कहते हैं लघु अंडमान के नाम से इसे जाना जाता है, इसे कहा जाता है लघु अंडमान, इसे कहते हैं दोस्तों कार निकोबार, इसे कहा जाता है कार निकोबार के नाम से इसे जानते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों लघु निकोबार, लघु निकोबार, कार निकोबार, लघु निकोबार, और ये होता है दोस्तों ग्रेट निकोबार, इसे हम कहते हैं ग्रेट निकोबार कहा जाता है, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार, और ये कहलाता है दोस्तों सुमात्रा द्वीप, इसे कहते हैं हम सुमात्रा द्वीप के नाम से जाना जाता है। कोको द्वीप जो है दोस्तों म्यांमार में स्थित है, कोको द्वीप कहां है दोस्तों म्यांमार में स्थित है, और सुमात्रा द्वीप दोस्तों इंडोनेशिया में स्थित है। कोको द्वीप की बात करें हम तो ये कोको द्वीप जो है कहां है दोस्तों म्यांमार में, कोको द्वीप की बात करें तो कोको द्वीप हो गया म्यांमार में, सुमात्रा द्वीप की बात करें तो ये हो गया दोस्तों इंडोनेशिया में। ये हो गया दोस्तों इंडोनेशिया में। अब बात करें हम दोस्तों कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य एक चैनल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कोको चैनल, जिसे कहा जाता है दोस्तों कोको चैनल के नाम से इसे जानते हैं। अंडमान और अंडमान के मध्य, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान की बात करें तो दोनों के मध्य डंकन जल संधि पाई जाती है दोस्तों, जिसे बोलते हैं डंकन जल पासेज या डंकन जल संधि के नाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों ये बात हो गई दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य डंकन जल संधि पाई जाती है, लघु अंडमान और कार निकोबार, मतलब अंडमान और निकोबार के मध्य कौन सा चैनल पाया जाएगा, यहां पे पाया जाता है दोस्तों 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल यहां पे पाया जाएगा दोस्तों। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, ये अंडमान हो गया निकोबार हो गया, तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है दोस्तों 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग कर देता है। अब बात करते हैं दोस्तों ये वाली संधि जो है, इस जल संधि कौन दोस्तों, इस जल संधि का नाम है ग्रेट चैनल, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के मध्य एक संधि पाई जाती है जल संधि, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट चैनल के नाम से जिसे जाना जाता है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों ग्रेट चैनल, तो ये ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उत्तरी अंडमान की बात करें तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है सैडल चोटी, सैडल चोटी जो है उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैडल चोटी। यदि हम बात करें ग्रेट निकोबार की दोस्तों ग्रेट निकोबार पर एक पर्वत पाया जाता है जिसे बोला जाता है थूलियर पर्वत, थूलियर पर्वत जो है ग्रेट निकोबार पर पाया जाता है, थूलियर पर्वत कहां पाया जाता है दोस्तों ग्रेट निकोबार पर थूलियर पर्वत पाया जाता है ग्रेट निकोबार पर। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं। अब यदि हम बात करें दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कुछ जनजातियां पाई जाती है, पहली जनजाति की यदि हम बात करें तो एक जनजाति का नाम है अंडमानीज, अंडमानीज जनजाति जो है इस पर पाई जाती है, निकोबारी जनजाति भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है। अंडमानीज कुछ जनजातियां हैं ये दोस्तों, ये आपको याद रखनी है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, तो ये जनजाति आपको याद रखनी है अंडमानीज, निकोबारीज, सेंटलीज, एक सेंटलीज जनजाति भी इस पर पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, अंडमानीज, निकोबारीज, सेंटलीज और ओंग, ओंग जनजाति भी इस पर पाई जाती है, और लास्ट जनजाति दोस्तों जारवा। तो ये जनजातियां जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है, अंडमानीज, निकोबारीज, सेंटलीज, ओंग और जारवा, ये 5 जनजातियां जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है। अब कुछ राष्ट्रीय सॉरी दोस्तों अब बात करते हैं इस पर, कुछ ज्वालामुखी द्वीप भी पाए जाते हैं, ज्वालामुखी द्वीप, अब कौन कौन से ज्वालामुखी द्वीप जो है इस पर पाए जाते हैं, इस पर 2 ज्वालामुखी द्वीप पाए जाते हैं दोस्तों, एक द्वीप को कहा जाता है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप,
दूसरा है दोस्तों नारकोंडा द्वीप, बैरन द्वीप और नारकोंडा द्वीप। नारकोंडा द्वीप, बैरन द्वीप जो है दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है, सक्रिय सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। नारकोंडा द्वीप जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी भी कहते हैं इसे हम, या फिर सुसुप्त या शांत ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है, शांत ज्वालामुखी। तो ये हो गया दोस्तों शांत या प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो ये बात हो गई ज्वालामुखी द्वीप, बैरन द्वीप, नारकोंडा द्वीप। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी, नारकोंडा द्वीप प्रसिप्त या शांत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय पार्कों की। तो कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क दोस्तों इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय पार्कों की बात करें हम तो कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। तो पहला राष्ट्रीय पार्क की बात करें हम, पहला है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय पार्क। दूसरा हो गया झांसी रानी राष्ट्रीय पार्क, झांसी रानी राष्ट्रीय पार्क। तीसरा हो गया दोस्तों हैरियट एवं हैवलॉक राष्ट्रीय पार्क, हैरियट एवं हैवलॉक, हैरियट एवं हैवलॉक राष्ट्रीय पार्क, हैरियट एवं हैवलॉक राष्ट्रीय पार्क। अगली बात करें दोस्तों गैलेथिया राष्ट्रीय पार्क। चौथी बात करते हैं हम गैलेथिया राष्ट्रीय पार्क, गैलेथिया गैलेथिया राष्ट्रीय पार्क। पांचवा है दोस्तों सैडल राष्ट्रीय पार्क, सैडल राष्ट्रीय पार्क। छठवीं बात करें दोस्तों छठवां जो राष्ट्रीय पार्क है ग्रेट निकोबारीज राष्ट्रीय पार्क, ग्रेट निकोबार राष्ट्रीय पार्क। छठवां राष्ट्रीय पार्क ग्रेट निकोबार। सातवां राष्ट्रीय पार्क दोस्तों उत्तरी बटन राष्ट्रीय पार्क, उत्तरी बटन राष्ट्रीय पार्क। सातवां है उत्तरी बटन। अगला है मध्य बटन और नवा है दोस्तों दक्षिण बटन राष्ट्रीय पार्क, दक्षिण बटन। तो ये हो गया मध्य बटन और ये हो गया दक्षिण बटन राष्ट्रीय पार्क, उत्तरी बटन, मध्य बटन और दक्षिण बटन। तो ये हो गई दोस्तों राष्ट्रीय पार्कों की बात। नौ राष्ट्रीय पार्क जो है इस पर पाए जाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय पार्क, महात्मा गांधी मेरी राष्ट्रीय पार्क, झांसी रानी राष्ट्रीय पार्क, हैरियट एवं हैवलॉक राष्ट्रीय पार्क, गैलेथिया राष्ट्रीय पार्क, सैडल राष्ट्रीय पार्क, ग्रेट निकोबारी राष्ट्रीय पार्क, उत्तरी बटन राष्ट्रीय पार्क, मध्य बटन राष्ट्रीय पार्क और दक्षिण बटन राष्ट्रीय पार्क। ये नौ राष्ट्रीय पार्क इस पर पाए जाते हैं। अब बात करें अंडमान निकोबारी द्वीप समूह जो है अराकान योमा पर्वतमाला का विस्तार है दोस्तों। ये आपको याद रखना एक महत्वपूर्ण बिंदु है, अराकान योमा, अराकान योमा जो पर्वतमाला है उसका ये विस्तार माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अराकान योमा पर्वतमाला का ये विस्तार कहलाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों जो आपको याद रखने होंगे। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु हो रहेगा दोस्तों कि अंडमान निकोबार जो है 30 दिसंबर 2018 की बात करें तो 30 दिसंबर 2018 को यहाँ पर तीन द्वीपों का नाम चेंज किया गया था, तीन द्वीपों का नाम चेंज किया गया था। एक था राजद्वीप नीलद्वीप और तीसरा था दोस्तों राजद्वीप नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप। राजद्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया और शहीद द्वीप का नाम बदल करके नील द्वीप किया गया, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप किया गया। तो 30 दिसंबर 2018 को आजाद हिंद फौज की 100वीं वर्षगांठ मनाई थी, उस समय इन तीन द्वीपों का नाम बदल के रखा गया था। तो पहला द्वीप था दोस्तों रास द्वीप जिसका नाम बदला गया था, जिसका नाम बदला गया था और क्या नाम रख दिया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से उसे कहा गया बाद में। दूसरा द्वीप था दोस्तों नील द्वीप जिसका नाम बदल करके शहीद द्वीप रख दिया गया, शहीद द्वीप। अगला छठा तीसरा था दोस्तों राजद्वीप नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप। तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके रखा गया स्वराज द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या रखा गया दोस्तों स्वराज द्वीप के नाम से उसे जाना गया था। ये हो गई अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आपको इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित और वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित रेगुलरली क्लासेज सुप्रीम जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।